Assalamualaikum students, hopefully all are fine. So class 3, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स किस तरह से लेते हैं. हमारे पास सिंपल नंबर्स तो हमें पता है मैथ्स में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब इन नंबर्स को हम रोमन नंबर में किस तरीके से लिखते हैं, तो यही हमारा आज का टॉपिक है. नंबर 1 को अगर हम रोमन नंबर्स में लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा इस तरह से. नंबर 2 को रोमन नंबर में हम लिखते हैं इस तरीके से. नंबर 3 को हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं इस तरह से. 3 लाइंस आती हैं, उसके ऊपर से छोटा सा इस तरह से डलता है. उसके बाद नंबर 4 को अगर हम रोमन नंबर्स में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है. नंबर 5 को अगर हम रोमन नंबर्स में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं इस तरीके से. नंबर 6 को अगर हम रोमन नंबर्स में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इस तरीके से. 4 तक हमारे पास जो इस तरह से 1 आ रहा था, एक लाइन आ रही थी, ये V से पहले आ रहा था. अब 6, 7, 8 में V पहले आएगा और इस तरीके से लाइंस बाद में आएंगी. अब 6 में हम एक लाइन डालेंगे, 7 में वही सेम V बनेगा और यहाँ पर 2 लाइंस आ जाएंगी. देन उसके बाद हम नंबर 8 किस तरीके से लिखेंगे रोमन नंबर्स में, तो इसमें हम V डालेंगे और यहाँ पे हमने 2 लाइंस ली थी, यहाँ हम बढ़ा देंगे, 3 लाइंस कर देंगे. फिर हम 9 को किस तरीके से लिखेंगे रोमन नंबर्स में, इस तरह से एक एक्स बनेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा इस तरीके से. देन उसके बाद लास्ट नंबर 10 हम लिखेंगे इस तरीके से, सिर्फ एक एक्स बन जाएगा, एक क्रॉस की साइन बन जाएगी. तो बस यही आज का आपका टॉपिक है. इसमें आपको बताया गया है कि मैथ में जो नंबर्स होते हैं हमारे, उसे रोमन नंबर्स में हम किस तरीके से लिखते हैं. ये आगे तक काउंटिंग चली जाती है, अभी सिर्फ आपके टॉपिक में 10 तक है, तो इसे आपने अपनी स्कूल की कॉपी में सॉल्व कर लेना है.